स्वाति मालीवाल को कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि बड़ी बात बीजेपी अब निशाने पर इंडिया अलायंस को ले रही है। मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आप बार बार प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में आड़े हाथों ले रही हूं, उनके बयान को लेकर वो बयान बदल गए हैं। आज सीधा आरोप उन्होंने यहां उत्तर प्रदेश में ही रैली में लगाया कि एक एनडीए है जो संतुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, एक तरफ सपा है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है जनता के साथ। कल ही तो वो कह रहे थे, कल था या परसों, वो कह रहे थे कि अगर मैं ऐसी बातें करूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं हूं। आज क्या हो गया, मन बदल गया कि भीड़ बदल गई? मतलब क्या हुआ? कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ और कहेंगे, तो भरोसा कैसे कर सकते हैं हम प्रधानमंत्री के लफ्जों पे? कोई वजन ही नहीं रही उनकी बातों में। सपा और कांग्रेस दोनों को ही यूपी के अंदर वो निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी पहले बयान आया था कि अब 80 में से 79 सीट हम जीते हैं, अखिलेश यादव ने कहा। अरे, उन्होंने कहा था 400 पार, अब क्यों नहीं कहते? क्या हो गया, चार चरण हो गए, अब 400 पार खत्म, अब ये क्यों नहीं निकल रहे ये लफ्ज इनके मुंह से? कैसे देख रहे हैं आप चार चरणों के बाद में, क्योंकि अब आप लोगों की तरफ से भी भाषा अलग अलग बदल रही है यहाँ पे? नहीं, भी हमारी बिल्कुल नहीं। रायबरेली में कहा जा रहा है कि आप एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं, तो आप लोगों क्या आश्वस्त होते जा रहे हैं कि अब ये मैंने कहा है, राहुल जी ने कहा है, बाकी नेता क्या? राहुल जी, मैंने सबने यही कहा है कि इंडिया गठबंधन ये तय करेगी अगर ये परिस्थितियां बनेंगी तो। ये लफ्ज आप हमारे बदलवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने तो नहीं बदले। हम शुरू से कह रहे हैं, इस चुनाव की शुरुआत से कह रहे हैं, ये चुनाव जनता जनता के मुद्दों पे लड़वाएगी। हम कह रहे हैं, ये जनता को कह रहे हैं कि अपने मुद्दे पर लड़वाओ। आपके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, खेती में जो समस्याएं आ रही हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो मिडिल क्लास की जो समस्याएं, ये समस्याएं हैं, इनके बारे में बात करें प्रधानमंत्री और पूरे जितने भी भाजपा के नेता हैं। और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि इस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और ये हमारी नीतियां हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल नहीं बदले हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं बार बार। आखिरी चरणों में आ गया है, बस आखिरी चंद दिन रह गए हैं रायबरेली अमेठी में वोटिंग के लिए। प्रियंका गांधी कितनी आश्वस्त हैं, क्योंकि आप कैंप करे हुए हैं? जीतेंगे, रायबरेली में भी जीतेंगे, अमेठी में भी जीतेंगे।